नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल आर्मी तैयारी डॉट इन में। दोस्तों आज हम आपके लिए यहाँ पे भारतीय सेना की खुली भर्ती को लेकर बहुत ही बड़ी यहाँ पे बुरी खबर लेकर आ चुके हैं जो कि आपके लिए आ रही है। जैसे कि दोस्तों हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि यहाँ पे सितंबर महीने की जो रैली थी उनको भी कैंसिल कर दिया गया है, जो खुली भर्ती होने वाली थी दो जगह पे जैसे कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में उनको कैंसिल किया गया था। इसी प्रक्रिया में अब अक्टूबर महीने की एक और रैली को कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सी रैली है इसके बारे में भी अभी हम आपको सारी जानकारी देंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारी जानकारी सही और सटीक तरीके से मिल पाए। दोस्तों हम आपको न्यूज़पेपर का कटिंग दिखाने वाले हैं जिससे आपको आइडिया मिल जाए और आपको पता चल पाए कि कौन कौन से रैली को कैंसिल किया गया है। आप यहाँ पे दोस्तों इस यहाँ पे न्यूज़पेपर कटिंग को पढ़ेंगे अच्छे से तो यहाँ पे आपको पता चल पाएगा कि आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पद्दल में 14 अक्टूबर से होने वाली भर्ती जो भर्ती होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जिला मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश में ये तीनों जिले आते हैं, इनमें जो रैली होने वाली थी मंडी के पैदल मैदान में 6 से 14 अक्टूबर तक होने वाली सेना की भर्ती को स्थगित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का जो बढ़ता संक्रमण है, जो हिमाचल प्रदेश में बढ़ता हुआ संक्रमण है उसको लेकर यहाँ पे केंद्र ने और प्रदेश ने यहाँ पे अनुमति नहीं दी और इस रैली को अभी नहीं कराया जाएगा, इसको स्थगित कर दिया गया है। जो बच्चे 20 सितंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं बस वही बच्चे इसको आगे जब ये रजिस्ट्रेशन खोला जाएगा तब इसके लिए आप यहाँ पे दौड़ पे जा पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर आपने इसका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो आप इसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए क्योंकि 20 सितंबर के बाद इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और आप ये भी ध्यान देते रहिए कि बहुत सारी रैलियों को भी कैंसिल किया जा रहा है, जैसे कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश की एक और रैली को कैंसिल किया गया था और पंजाब की भी एक और रैली को कैंसिल किया गया था। इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं एक और रैली को कैंसिल कर दिया गया है जो कि अक्टूबर में होने वाली थी, तो अक्टूबर के महीने की भी रैली को कैंसिल किया जा रहा है। पर दोस्तों हम आपको यहाँ पे आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि आज से यहाँ पे जो राजरीफ की भर्ती थी उसको कराया जा रहा है। तो हाँ दोस्तों, कुछ कुछ रैली जो है उनको स्टार्ट कर दिया गया है, तो आप अपनी मेहनत जारी रखिए। आज से जो स्पोर्ट्स ट्रायल थे राजरीफ सेंटर के रिलेशन भर्ती के उनको भी शुरू करा दिया गया है। तो आप ध्यान रखिए कि कोई कोई रैली कराई जा रही है, तो अगर आपके राज्य की आपकी रैली आपने ऑनलाइन आवेदन किया था वो होने वाली थी तो आप उसकी स्टार्ट कर दीजिए तैयारी, क्योंकि हो सकता है रैली कराई भी जा सकती है या फिर उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो आप इसलिए अपनी तैयारी जो है रिटर्न एग्जाम की उसको जारी रखिए। अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो बुक को खरीदने का जो लिंक है वो भी आपको पहले कमेंट में देखने को मिल जाएगा। साथ में आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके भी सारी जानकारी पा सकते हैं, वहां पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। यहां पे आप देख सकते हैं जो एआरओ के जो यहां पे कर्नल एम राजराजन है उन्होंने बताया है कि कोरोना के चलते यहाँ पे पैदल ग्राउंड में जो भर्ती होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया है। इसी प्रकार से और भी रैलियों को स्थगित कराया जा सकता है। जो भी रैली यहाँ पे स्थगित होगी या फिर जिस भी रैली का नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।